हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीनियस पे कल हम लोग ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ा था ठीक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई इट मींस वाई जैसे बढ़ेगा एक्स वैसे बढ़ेगा वाई जैसे घटेगा एक्स वैसे घटेगा तो डायरेक्ट प्रपोशन से रिलेटेड जो वीडियो है वो पहले से ही अपलोडेड है आपको अगर डायरेक्ट प्रपोशन के बारे में जानना है तो आप पिछले वाले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है उसे चेक कर सकते हैं देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है जो हम आज स्टडी करेंगे वो है इनवर्स प्रपोशन इनवर्स प्रपोशन में बच्चों क्या होता है कि एक्स इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वाई होता है इट मीन्स अगर x बढ़ेगा तो y घटेगा और अगर x घटेगा तो y बढ़ेगा ठीक और सेम प्रपोर्शन में ऐसा होगा ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि अगर x अगर x दो है और बाद में एक हुआ जा रहा है तो चार होने पे x, x कितना हो जाएगा y कितना हो जाएगा दो हो जाएगा ठीक अगर ये आधा हो रहा है तो अगली क्वांटिटी जो दी जाएगी वो भी आधी हो जाएगी ठीक है अब देखो इनवर्स प्रोपोर्शन का फॉर्मूला हम बनाना चाहें तो हम बहुत ही ईजीली बना सकते हैं यहाँ पे अगर हम वन रखेंगे तो एक्स वन आएगा और इसमें नीचे y1 आएगा और यहाँ पे अगर हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे y2 आएगा तो ये फार्मूला इन्वर्स प्रोपोर्शन का होता है इन्वर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट जो होते हैं जैसे अगर हम y1 इधर भेज दें तो x1 y1 और x2 y2 जो होता है ये बराबर होता है ठीक ये दो बात या ये दो फार्मूले आपको याद रखने दोनों एक ही हैं दोनों को आप याद कर सकते हो और इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब याद रखना अगर उल्टा होगा एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा ठीक है अभी देखो इसके क्वेश्चन हम देखेंगे एन 13.2 के कुछ क्वेश्चंस तो हमको और ज़्यादा क्लियर होगा इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में ठीक है तो 13.2 पर आते हैं एक्सरसाइज 13.2। देखो जो 13.2 है उसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है और हमको सिर्फ ये बताना है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है कि नहीं है तो यहाँ पे पहला पार्ट है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टू कम्प्लीट दी जॉब टाइम टू कम्प्लीट दी जॉब टाइम टू कंप्लीट जॉब देखो थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो वर्कर्स अगर ज्यादा होंगे तो क्या समय भी ज्यादा लगेगा नहीं अगर वर्कर्स ज्यादा होंगे तो जो समय काम कर, को कंप्लीट करने में लगेगा वो कम लगेगा तो इट मींस ये दोनों इनवर्स प्रोपोर्शन में बहुत ही आसान है देखो पहचानना इनवर्स प्रोपोर्शन में पहचानना बहुत ही आसान है अगर वर्कर्स ज्यादा हैं अगर पहले दो लोग काम कर रहे थे ठीक तो काम दस दिन में पूरा हो रहा था तो अगर अभी वर्कर्स हम बढ़ा दें दस वर्कर्स कर दें तो काम जो होगा और जल्दी कंप्लीट होगा ठीक है कम दिन में पूरा होगा तो जैसे जैसे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा तो इट मींस ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में है पहले वाले पार्ट में हम लिखेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन सेकेंड पार्ट देखो सेकेंड पार्ट में कहा गया है टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड टाइम और डिस्टेंस की बात हो रही है टाइम और डिस्टेंस की बात हो रही है ठीक है टाइम डिस्टेंस की अगर हम बात करें ठीक है देखो यहाँ पे बच्चों एक चीज दी हुई है यूनिफॉर्म स्पीड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना क्योंकि कहा गया है यूनिफॉर्म स्पीड है तो टाइम और डिस्टेंस में जो रिलेशन रहेगा प्रोपोर्शनल रहेगा पर चेक ये करना है क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा कि इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा अगर हम तुमसे कह रहे हैं दो घंटे में तुम दस किलोमीटर चल रहे हो तो तुम दस घंटे में कितनी दूरी तय करोगे अब देखो जब समय बढ़ जाएगा समय दो से दस हो गया तो दो घंटे में ही तुम दस किलोमीटर चले ले रहे थे तो दस घंटे अगर तुमको चलने के लिए मिल जाएंगे तो वहां तो तुम और ज्यादा चलोगे ना इसका मतलब जब समय बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा तो ये इन्वर्स प्रपोशन नहीं है ये डायरेक्ट प्रपोशन है ये सबको समझ में आ गया होगा ये डायरेक्ट प्रपोशन क्यों है ये इन्वर्स प्रपोशन क्यों नहीं है क्योंकि दोनों में एक ही जैसी चीज हो रही है समय बढ़ रहा है तो दूरी भी बढ़ रही है ठीक है जबकि इन्वर्स प्रपोशन में उल्टा होता है अगर कोई एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ जो होती है वो घटती है ठीक है अब तीसरा देखो तीसरा पार्ट जो है तुमको क्या दिया गया है एरिया ऑफ कल्टिवेटिड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड एरिया ऑफ कल्टिवेटिड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड एरिया की बात हो रही है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड ठीक है अब देखो एरिया ऑफ कल्टीवेटेड लैंड और एंड क्रॉप हार्वेस्टेड जो है हमें चेक करना है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि नहीं है तो कल्टीवेटेड लैंड और क्रॉप हार्वेस्टेड जितना कल्टीवेटेड लैंड होगा उतना ही क्रॉप हार्वेस्टेड होगा तो यह भी इन्वर्स प्रोपोर्शन में नहीं है नॉट इन इनवर्स प्रपोर्शन ठीक है अच्छा अब देखो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं फोर्थ और फिफ्थ पार्ट का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ठीक है और हमें व्हाट्सएप करना है अगर आपका जो सॉल्यूशन है सही निकलता है और हमारी कंडीशंस को फुलफ़िल करता है तो आपको मिलेगा हमारी तरफ़ से कुछ ना कुछ प्राइस ठीक है तो आप इसके आंसर्स देखिए और हमें व्हाट्सएप कीजिए अपने एड्रेस के साथ ठीक है जिससे कि जो भी प्राइस है वो हम आपको आपके एड्रेस पर डिलीवर कर सकें क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं देखो जो सेकंड क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में क्या है इन अ टेलीविजन गेम शो प्राइस मनी ऑफ वन लैख इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग विनर्स ठीक है एक लाख को हम बांट रहे हैं देखो एक टेबल दिया गया है और ये कह दिया गया है टेबल इनवर्स प्रोपोर्शन में हमें फिल करना है ठीक है ये इनवर्स प्रोपोर्शन में हमें भरना है पहला कॉलम देखो दिख रहा है तुमको वन और वन लैख दूसरा दिख रहा है टू और फिफ्टी थाउजेंड ठीक अब ये फोर होगा फाइव होगा एट होगा टेन होगा ट्वेंटी होगा इसको हमें भरना है ठीक है इसको हमें फिल करना है अब देखो एक बात तुम देख रहे हो कि जब वन से टू हुआ तो ये टेन थाउजेंड से फिफ्टी थाउजेंड हो गया ठीक जब इसको डबल कर रहे हैं तो ये हाफ हो रहा है ठीक जब इसको हमने दुगना किया तो ये आधा हो गया तो जब इसको हम चार गुना करेंगे तो ये फोर टाइम्स जो है कम हो जाएगा तो इसको तुम फोर से डिवाइड कर दोगे अगर ठीक तो यहाँ का आंसर आ जाएगा या तुम यहां से भी देख सकते हो अगर ये दो है ये चार हो रहा है तो ये पचास हजार है तो ये आधा होगा पचास हजार का आधा बच्चों तुम गेस कर सकते हो कितना होगा पच्चीस हजार होगा ठीक अगर तुम ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो तुम क्या करो ऊपर वाले को एक्स मान लो इसको एक्स लो क्योंकि ये एक चीज़ है और इसको वाई लो इसको क्या करो वाई ले लो ये एक्स टू ये लो और ये वाई टू है ये तुमको निकालना था अब तुम अपना फार्मूला लगाओ जो अभी इन्वर्स प्रपोर्शन का सीखा है तुमने फॉर इन्वर्स प्रपोर्शन फॉर इन्वर्स प्रपोर्शन क्या होता है एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू ठीक तो एक्स वन वाई वन इज़ इक्वल टू एक्स टू इन टू वाई टू ठीक तो इसको कैंसिल करोगे तो पच्चीस हज़ार आ गया तो ये आंसर हम ऐसे भी निकाल सकते हो और अगर थोड़ा सा तुम कैलकुलेशन से सही से कर सकते हो तो सीधे सीधे भी आंसर गेस कर सकते हो कि यहाँ पे ये दुगना हो रहा है तो ये यहाँ पे आधा होगा उल्टा चलेगा ना इनवर्स प्रोपोर्शन है ठीक इसके बाद देखो अगला है फाइव ठीक तो ये पाँच गुना हो गया अगर ये इसको इसको कंपेयर करो तो ज़्यादा आसान है ये इसका पाँच गुना है तो ये फाइव टाइम्स कम हो जाएगा तो वन लैख बाय फाइव अगर तुम करोगे तो आंसर तुमको मिल जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड ठीक इसी तरीके से तुम बाकी भी फिल कर सकते हो ये आठ गुना हो रहा है तो इसको आठ से डिवाइड करो आठ से डिवाइड करोगे तो बारह पाँच सौ तो आ जाएगा और दस से डिवाइड करोगे तो तुमको दिख रहा है सीधे सीधे दस हज़ार आ रहा है बीस से डिवाइड करोगे तो एक जीरो कटेगा दो से करोगे तो आएगा कितना पाँच हज़ार तो ये इजिली तुम जो है कॉलम्स ईजिली जो है पूरी रो फिल कर सकते हो यूजिंग इनवर्स प्रोपोर्शन और तुमको ये वाला मेथड भी हमने बता ही दिया है अगर तुमको ऐसे करना है तो ऐसे करके भर लो ठीक है इसमें ज़्यादा फिल करना है तो हम सीधे सीधे भी फिल कर सकते हैं ठीक है थीके? बाकी फार्मूला तुम्हारे पास है ही है क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं देखो थ्री जो थर्ड क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में हमें अगेन एक चार्ट पूरा करना है एक चार्ट पूरा करना है थर्ड क्वेश्चन में हमें हमें नंबर ऑफ स्पोक्स दिए हैं और एंगल दिया है बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स स्पोक दिया है और एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स दिया है ये दिया है चार छः आठ दस बारह ये दिया है नब्बे और साठ हमें ये सब फाइंड करना है क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये इनवर्स प्रपोर्शन में देखो पहला पार्ट पढ़ो आर दी नंबर ऑफ स्पोक्स एन एंगल फॉर्म बिटवीन पेयर ऑफ कंजीक्यूटिव स्पोक्स इन इन्वर्स प्रोपोर्शन पूछ रहा है पहले पार्ट में ही हमसे पूछ रहे हैं क्या ये इनवर्स प्रपोर्शन में है तो देखो अगर हम इसको एक्स इसको वाई कहें तो इनवर्स प्रपोर्शन में तब होंगे जब एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू के बराबर होगा तुम चेक कर सकते हो इनवर्स प्रपोर्शन की कंडीशन ये है फॉर इन्वर्स प्रपोशन ये कंडीशन होती है ठीक तो इसको x1 और x2 कहेंगे इसको y1 और y2 कहेंगे तो x1 वन इंटू क्या x2 टू इंटू वाई के बराबर है हाँ ये इक्वल आ रहा है तो ये इक्वल आ रहा है क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में माना जाएगा ठीक है अच्छा अब देखो इन्वर्स प्रपोर्शन में है तो बाकी बची वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है कि अगर एट स्पोक्स होंगे तो एंगल कितना होगा टेन स्पोक्स होंगे तो एंगल कितना होगा देखो हम इजली देख सकते हैं कि ये फोर से टू टाइम्स हो रहा है ये दुगना हो रहा है चार का दुगना आठ है तो ये नब्बे का आधा होना चाहिए नब्बे का आधा होगा हमारा फोर्टी फाइव डिग्री ठीक तो हम नब्बे के आधा फोर्टी फाइव लिख सकते हैं नहीं अगर ऐसे करना है तो तुम फिर वही मेथड लगा सकते हो एक्स वन वाई वन फोर इंटू नाइन्टी इज़ इक्वल टू एक्स टू एट इंटू वाई टू तुमको निकालना है तो एट उधर भेजोगे फोर इंटू नाइन्टी बाई एट ये वाई टू आएगा तो फोर्टी फाइव डिग्री आ जाएगा वैसे यहाँ सीधे सीधे दिख रहा था हमने सीधे सीधे तुम्हें बताया ये डबल हुआ तो ये आधा होगा ठीक अच्छा इसके बाद देखो ये सिक्स है तो ये ट्वेल्व हो रहा है ये डबल हो रहा है तो ये आधा होगा तो ये सिक्सटी है तो तुम ये इजिली भर सकते हो थर्टी ठीक इस वाले को देखो टेन वाले पे टेन वाले पे देखो ये फोर इंटू नाइन्टी इस पर फार्मूला लगा के कर लो तो ज़्यादा आसान है ठीक है तो इस पर अगर हम फार्मूला लगाएं फोर इंटू नाइन्टी ये बराबर होगा टेन इंटू वाई टू के तो थर्टी सिक्स हमें वाई टू मिल रहा है तो यहाँ पे टेन पे जो वाई होगा एंगल होगा वो थर्टी सिक्स डिग्री होगा इस तरीके से हम इजली थर्ड वाला क्वेश्चन भी पूरा कर सकते हैं ठीक है, है? इनवर्स प्रोपोर्शन में था और हमें चार्ट फिल करना था अच्छा उसके बाद देखो एक इसका सेकेंड पार्ट भी है सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि कैल्कुलेट एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्पोक्स विथ फिफ्टीन स्पोक्स अगर पंद्रह स्पोक होंगे तो एंगल कितना होगा ठीक यहाँ पे एक कॉलम और बढ़ गया है पंद्रह और इस पर यह एंगल पूछ रहे हैं ठीक है पंद्रह पे ये एंगल हमसे पूछ रहे हैं तो वो भी हम निकाल लेंगे फोर इंटू नाइन्टी इज इक्वल टू फिफ्टीन इंटू वाई टू फोर इंटू नाइन्टी इज इक्वल टू फिफ्टीन इंटू वाई टू इधर ही कर दें यहीं पर कर दे रहे हम देखो फोर इंटू नाइन्टी भाई इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये बराबर होना चाहिए फिफ्टीन इंटू बाई टू के तो फिफ्टीन फोर फिफ्टीन थर्टी सिक्सटी नाइन्टी तो ये आ गया ट्वेंटी फोर डिग्री ठीक उसके बाद देखो ये अगले पार्ट में पूछ रहे हैं कि अगर फोर्टी एंगल होगा तो कितने स्पोक्स होंगे ठीक अब की बार ये एंगल दे रहे हैं ये कह रहे हैं अगर एंगल फोर्टी है तो स्पोक्स कितने होंगे ठीक है तो ये वाला पार्ट भी यहीं पे कर देते हैं कहीं थोड़ी सी जगह बचा कर देखो ये अब की बार हमसे इन्होंने x2 पूछा है तो x1 y1 वाई वन फोर इंटू और इज इक्वल टू एक्स टू इं वाई वाई टू तो वाई टू फोर्टी है तो अगर हम ये जीरो जीरो काट दें फोर फोर काट दें तो एक्स टू आ गया नाइन तो जो स्पोक्स होंगे वो नाइन होंगे ठीक है जब एंगल हमारा फोर्टी होगा तो जो स्पोक्स होंगे वो कितने होंगे नाइन होंगे इजली ये वाला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर आते हैं देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर चिल्ड्रेन हमारे पास टॉफी है और हम वो ट्वेंटी फोर चिल्ड्रेन में बांट रहे हैं ठीक है और ट्वेंटी फोर चिल्ड्रन में बांटने पे पांच टॉफ़ी हर बच्चे को मिल रही है ठीक है अब ये कह रहे हैं हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ़ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन इज रिड्यूस बाय फोर ठीक अगर हम बच्चों की संख्या को चार से कम कर दें मतलब अब अगर बच्चे बीस हो जाएँ तो हर बच्चे के हिस्से में कितनी कितनी टॉफ़ी आएगी अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन में बच्चे कम हो रहे हैं ठीक बच्चे कम हो रहे हैं तो हर बच्चे को टॉफ़ी ज़्यादा ज़्यादा मिलेगी कि कम कम मिलेगी सही बताया आपने सही गेस किया जब 24 बच्चे थे तो हर बच्चे के हिस्से में पांच टॉफी आ रही थी तो जब बच्चों की संख्या ही कम हो जाएगी तो अब बच्चों के हिस्से में टॉफी ज्यादा आएंगी मोर टॉफी आएंगी ठीक तो अगर बच्चे कम होंगे तो जो स्वीट्स हर बच्चे को मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी तो अगर बच्चे कम होंगे तो नंबर ऑफ स्वीट्स जो मिलेंगी वो ज्यादा मिलेगी तो इनवर्स प्रपोर्शन है यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन का हम फार्मूला लगा सकते हैं उससे पहले x और y मानोगे इसको x कह लो इसको y कह लो तो ये हो गया तुम्हारा x1 ये हो गया तुम्हारा x2 ये हो गया तुम्हारा y1 और ये हो गया तुम्हारा y2 तो x1 y1 वाई वन इज़ इक्वल टू एक्स तुम्हें लगाना है x1 24 ट्वेंटी फोर वाई वन और x2 20 तो y2 कितना ठीक ये 20 नीचे भेज दो 24 फोर इंटू फाइव बाई ये y2 होगा फाइव फोर सा और फोर सिक्स सा तो वाई टू आ गया तुम्हारा सिक्स तो हर बच्चे के हिस्से में अब पाँच की जगह कितनी टॉफी आएंगी छः टॉफी आएंगी क्वेश्चन नंबर फाइव पर आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर आते हैं देखो अ फार्मर हैज इन अ फूड टू फीड ट्वेंटी एनिमल्स अब देखो एक फार्मर है वो बीस जानवरों को अगर खाना खिलाएगा तो छ दिन तक खाना खिला लेगा ठीक है अब ये पूछ रहे हैं कि अगर एनिमल्स दस ज़्यादा हो, मतलब एनिमल्स कितने हों तीस हों तो वो कितने दिन तक खाना खिला पाएगा अब देखो एनिमल्स की संख्या जब बढ़ेगी तो भाई बीस जानवरों को तो छः दिन तक वो खिला सकता है तो जब जानवर बढ़ जाएंगे तो अब उनको कम दिन ही वो खिला पाएगा तो यहाँ पे अगेन ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ऐसे लाइन बना के चेक कर लिया करो पहले कि क्या उल्टा हो रहा है एक चीज़ बढ़ाने पे दूसरी चीज़ घट रही है या एक चीज़ घटाने पे दूसरी चीज़ बढ़ रही है अगर ऐसा हो रहा है तो इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा ठीक और जैसे ही इन्वर्स प्रोपोर्शन समझ में आ जाए एक्स वाई मानो एक्स वाई मान के तुमको ये एक्स वन ये एक्स टू मिल जाएगा ये वाई वन ये वाई टू मिल जाएगा तो एक्स वन वाई वन इज़ इक्वल टू एक्स टू वाई टू तो एक्स वन इंटू वाई वन इज़ इक्वल टू एक्स टू इंटू वाई टू करो ये ट्वेंटी इंटू सिक्स थर्टी होगा तो वाई टू आ जाएगा तो मतलब वाई टू आ गया हमारा फोर तो फोर डेज में एनिमल्स का खाना जो है अब खत्म हो जाएगा क्योंकि जानवर अब तीस हो चुके हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर देखो देखो जो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर सिक्स तुमको दिख रहा है सिक्स वाले क्वेश्चन में कहा गया है अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट थ्री परसेंट कुछ रिवाय जसमिंदर हाउस इन फोर डेज ठीक कुछ वर्कर हैं जो काम करेंगे और वो एक घर को वायर कर रहे हैं ठीक है, है? कितने दिन में कर रहे हैं चार दिन में कर रहे हैं तीन वर्कर हैं तो चार दिन में काम पूरा कर रहे हैं अब ये कह रहे हैं इफ़ यू यूजिस फोर परसेंट इंस्टेड ऑफ थ्री अगर चार वर्कर लगा दें तो कितने दिन में काम ख़त्म होगा अब यहाँ पे एक बात देखनी है हमें वर्कर्स अगर बढ़ जाएंगे ठीक वर्कर्स अगर बढ़ेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा दिनों की संख्या कम हो जाएगी तो अगेन इन्वर्स प्रपोशन है इन्वर्स प्रपोशन है अगर वर्कर ज़्यादा लगाओगे तो काम कम समय में पूरा हो जाएगा भाई अब हम अकेले ही कोई काम करते रहें तो सौ दिन में करेंगे और वही दस लोग हमारे साथ लग जाए तो वही काम हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो इन्वर्स प्रपोशन है ये एक को एक्स मानूँ एक को वाई मानूँ तो ये एक्स वन ये एक्स टू ये वाई वन ये वाई टू फॉर्मूला हमने लगाया एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू एक्स वन वाई वन इज एक्स टू वाई टू ये कैंसिल कर दो तो Y2 आ गया, थ्री डेज ठीक मतलब अब जो काम होगा वो तीन दिन में ही खत्म हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवेंथ पर आते हैं देखो जो सेवेंथ क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है अब बैच ऑफ बॉटल वेयर पैक्ड इन ट्वेंटी फाइव बॉक्सेस बॉक्स दिए हैं और बॉटल दिए हैं हमेशा ऐसे लिख लिया करो किन चीज़ों को कंपेयर किया जा रहा है तो बॉक्स अगर पच्चीस हैं तो बॉटल कितनी उसमें रखी जा रही हैं बारह रखी जा रही हैं ठीक है थीके? अगर हम बीस बॉटल्स रखें ठीक है इफ़ सेम बैच इज़ पैक्ड यूजिंग ट्वेंटी बॉटल्स इन नीच बॉक्स हाउ मैनी बॉक्सेज वुड बी फिल्ड तो कितने बॉक्स जो हैं भरे जाएंगे ठीक है अगेन ये एक इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है इसको अगर हम x, इसको अगर हम y कहें तो ये x1 हो जाएगा ये x2 हमसे पूछा गया है ये y1 है ये y2 है तो x1 y1 वाई वन इज़ इक्वल टू एक्स टू वाई टू अगर हम पुट करें ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेल्व इज इक्वल टू एक्स टू इंटू ट्वेंटी तो ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेल्व वाई ट्वेंटी इज इक्वल टू एक्स टू होगा फिफ्टीन हमारा आ गया ठीक तो अगर बॉटल्स जो है बढ़ेंगी तो जो बॉक्स हैं वो कम होंगे कम बॉक्स में ही बॉटल आ जाएंगी तो x2 की जो वैल्यू है वो 15 आ गई मतलब 15 बॉक्स में हम 20 बॉटल रख पाएंगे ठीक है अच्छा इसके बाद देखो एर्थ क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एर्ट क्या है एटथ क्वेश्चन है अ फैक्ट्री रिक्वायर्स फोर्टी टू मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन सिक्सटी थ्री डेज मशीन की बात हो रही है और डेज की बात हो रही है समय की बात हो रही है तो फोर्टी टू मशीन्स चाहिए ठीक फोर्टी टू मशीन चाहिए हमें काम को सिक्सटी थ्री डेज में पूरा करने के लिए हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू फिनिश वर्क इन फिफ्टी फोर डेज अब देखो मशीन दिन कम करने हैं हमें कम दिन में काम पूरा करना है तो मशीन ज़्यादा लगानी पड़ेगी अगर कम दिन में काम पूरा करना है तो मशीन ज़्यादा लगानी पड़ेगी तभी काम पूरा होगा तो इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है ये इन्वर्स प्रपोर्शन है इनवर्स प्रपोर्शन है देखो तो कितना ईजिली हम समझ सकते है। एक गा एक गा हैं एक को एक्स एक को वाई मानेंगे अगर हम तो ये हमारा हुआ एक्स एक वन और ये हुआ हमारा वाई वन तो एक्स वन वाई एक वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू फोर्टी टू इंटू सिक्सटी थ्री इज इक्वल टू एक्स टू इंटू फिफ्टी फोर तो एक्स टू हमारा आ जाएगा फोर्टी टू इंटू सिक्सटी थ्री बाय फिफ्टी फोर ठीक इसको कैंसिल करो फोर्टी नाइन ठीक तो फोर्टी नाइन मशीन से हमारा काम हो जाएगा ठीक है एट्थ वाले क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कि फोर्टी नाइन मशीन अगर हम यहाँ पे लगा दें तो जो है हम वर्क को फिफ्टी फोर डेज में पूरा करा ले जाएंगे अच्छा इसके बाद एर्ट्स के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पर देखो क्वेश्चंस इजी हैं अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएँ अगर आप ये समझ जाएं कि इन्वर्स प्रोपोर्शन कब है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन कब है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर ले जाएंगे नाइन्थ वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है अ कार टेक्स टू आवर्स टाइम की बात हो रही है और स्पीड की बात हो रही है अब की बार ठीक डिस्टेंस सेम है डिस्टेंस क्या है सेम है तो देखो क्या कह रहे हैं कि एक कार है जो दो घंटे में सिक्सटी किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो अब अगर ये 80 किलोमीटर पर आर से चलती है तो इसको कितना समय लगेगा ठीक सेम दूरी तय करने में अब बात भी है कि अगर स्पीड को तुम बढ़ा दोगे तो समय कम लगेगा इसका मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन है इन्वर्स प्रोपोर्शन है जब तेज़ चलोगे तो तो जल्दी पहुंच जाओगे ना तो ए, अगर स्पीड तुम बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा तो एक्स वाई अगर हम माने ये एक्स वन एक्स टू ये y1, y2 और ये x1, y1 वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू वाई टू तो टू इंटू सिक्सटी बाई एटी इज इक्वल टू एक्स टू तो x2 आ गया हमारा थ्री बाई टू आर ठीक मतलब डेढ़ घंटे में हम पहुंच जाएंगे वन एंड अ हाफ आर अब देखो ये क्वेश्चन कितनी जल्दी हम कर सकते हैं कोई बहुत कठिन नहीं है समझ के हम लोग इतनी जल्दी कर ले रहे हैं तो एग्ज़ाम में बहुत तेज हम कर सकते हैं और क्वेश्चन पेपर बहुत जल्दी फिनिश करके फुल मार्क्स ला सकते हैं बहुत कठिन नहीं है जो चैप्टर्स हैं हमारी बुक के क्वेश्चन नंबर टेंथ पर आते हैं देखो जो टेंथ क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन में क्या कहा गया टू परसेंट कुड फिट न्यू विंडोज इन अ हाउस इन थ्री डेज अगेन परसेंस की बात हो रही है और टाइम की बात हो रही है परसेंस वर्कर है ये दो लोग जो हैं तीन दिन में खिड़कियां लगाए दे रहे हैं अब ये कह रहा है वन ऑफ पर्सन फेल इल बिफोर वर्क स्टार्टेड पहले पार्ट में कह रहे हैं एक पर्सन बीमार हो गया तो अब एक ही पर्सन बचा तो कितने दिन में काम होगा देखो तो पर्सन कम हो गए अगर पर्सन कम हो गए तो दिन ज़्यादा लगेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है परसेंट कम हुए तो दिन ज़्यादा लगेंगे तो अगर हम इसको एक्स कह दें और इसको वाई कह दें तो ये एक्स वन एक्स टू और ये वाई वन वाई टू तो एक्स वन वाई वन इज़ इक्वल टू एक्स टू वाई टू टू इंटू थ्री इज़ इक्वल टू वन इंटू वाई टू तो सिक्स डेज में अब काम पूरा होगा ठीक अब काम जो पूरा होगा कितने दिन में होगा सिक्स डेज में पूरा होगा अच्छा इसी के सेकेंड पार्ट में देखो क्या कह रहे हैं हाउ मैनी पर्सेंस वुड बी नीडेड टू फिट दी विंडोज इन वन डे अगर हम एक ही दिन में काम कराना चाहते हैं अगर हम एक ही दिन में काम कराना चाहते हैं देखो हमारे पास परसेंस थे दो थे वो तीन दिन में काम पूरा कर रहे थे दो पर्सन थे वो तीन दिन में काम पूरा कर रहे थे अगर हम एक दिन में काम पूरा कराना चाहते हैं तो पर्सेंस कितने होंगे ठीक है तो देखो अगेन ये एक्स वन है ये एक्स टू है ये वाई वन है ये वाई टू है तो एक्स वन वाई वन इज़ इक्वल टू एक्स टू वाई टू ठीक वाई टू है वन ठीक तो सिक्स आ रहा है इसका मतलब अगर एक दिन में हम काम पूरा करना चाहते हैं तो छः लोगों को हमें लगाना पड़ेगा ठीक सिक्स पर्सनस को हमें लगाना पड़ेगा यहाँ वैसे भी हम देख भी सकते हैं ये एक तिहाई हो रहे हैं दिन एक तिहाई कर रहे हैं हम दिन तीन थे और अब हम काम को एक ही दिन में पूरा कराना चाह रहे हैं मतलब जो दिन है वो एक तिहाई हुए हैं वन थर्ड हुए तो जो पर्सन है वो तीन गुना हो जाएंगे टू इंटू थ्री सिक्स ऐसे भी हम समझ सकते हैं ठीक है तो इसका आंसर हम ओरली भी निकाल सकते थे पर एग्जाम में करके दिखाना होगा तो इस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ पे आते हैं जो इस इनवर्स प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा ठीक है इनवर्स प्रोपोर्शन का एलेवंथ क्वेश्चन देखो क्या है आ स्कूल हैज़ एट पीरियड्स अ डे ठीक पीरियड्स जो हैं स्कूल में कितने हैं और उन कितने समय के वो हमें दिया है फोर्टी फाइव मिनट का के पीरियड हैं और कितने हैं एट हैं ठीक है हमारे स्कूल में भी फोर्टी से फोटी फाइव मिनट के ही पीरियड रहते हैं ठीक है यूजुअली फोर्टी मिनट के रहते हैं तो यहाँ पे एट पीरियड्स हैं और तब टाइम कितना है फोर्टी फाइव मिनट का एक पीरियड है ठीक अब हमसे क्या कहा गया हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ स्कूल हैज नाइन पीरियड्स अच्छा अगर ये नाइन पीरियड्स हैं तो कितना समय का एक पीरियड होगा ठीक है तो अगेन देखो जब हम पीरियड्स की संख्या बढ़ा देंगे तो पीरियड को हमें छोटा करना पड़ेगा अगर पहले 45 मिनट का पीरियड रख रहे थे तो अब हमें और कम समय का पीरियड रखना पड़ेगा तभी हम उतने ही समय में छुट्टी कर पाएंगे तो ये इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है उल्टा हो रहा है इन्वर्स प्रपोर्शन का क्वेश्चन है अब हम एक को एक्स मान रहे हैं एक को वाई मान रहे हैं ये एक्स वन हो गया ये एक्स टू, टू हो गया ये वाई वन हो गया ये वाई टू हो गया अगर हम एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू तो एक्स टू वाई टू तो x1 वन इंटू वाई वन इज इक्वल टू एक्स टू इंटू वाई टू तो यहाँ से y2 हमारा आ रहा है एट इंटू फोर्टी फाइव बाई नाइन ठीक थ्री फाइव मतलब फोर्टी मतलब अब हमें चालीस मिनट का एक पीरियड करना पड़ेगा ठीक है हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ स्कूल हैज नाइन पीरियड्स अ डे ठीक है तो फोर्टी मिनट का अब हमें एक पीरियड करना पड़ेगा बच्चों इसी के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन हमारा पूरा हो गया है डायरेक्ट इन्वर्स प्रोपोर्शन पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे हमसे पूछिए ठीक है ठीके? और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगाइए ठीक है नेक्स्ट टेन पे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वीडियो अगर आपको लाइक पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ठीक है और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद